Hello friends, last time we studied colonialism in West Asia, West Europe, Africa and Asia. Is that clear? और at last we discuss, मैंने last में आपको बोला था कि वो जर्मनी के बर्लिन में, कुछ याद आया बर्लिन, वहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको बोलते हैं बर्लिन कॉन्फ्रेंस, इन विच मेजोरिटी यूरोपियन कंट्री डिवाइडेड कॉलोनीज ऑफ अफ्रीका एज पर देयर ऑन चॉइस, मतलब उनके अपने हिसाब से वो कॉलोनी को क्या किया, चॉइस किया, और विच ले द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें से काफ़ी रीजन है, तो ऐसे स्टार्ट हुआ दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसके बाद टॉपिक आया, सबसे पहले आएगा टॉपिक, बड़ा सा टॉपिक आएगा, नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन सा टॉपिक बोलो? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब वर्ल्ड में कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ। भाई उसके टोटल, इसके टोटल एट रीजन है, आठ रीजन है फॉर कॉजिंग फॉर अकरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉट बिटवीन अलाइड नेशन एंड एक्सिस नेशन, अलाइड और एक्सिस दो पार्ट में थे, अलाइड में इंग्लैंड है, फ्रांस है, अमेरिका, रशिया, ये सब थे अलाइड में, इंडिया, वो सब अलाइड में थे, और एक्सिस में जर्मनी, बाद में ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगेरी, बल्गेरिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया, ये सब एक्सिस में थे, बाद में बताऊंगा वो तो। बट सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों, उसके एट रीजन, और टॉपिक नंबर फर्स्ट आएगा फैक्टर या कॉजेज ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कॉजेज ऑफ, बोलो कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कॉजेज ऑफ क्या बोलो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कितने कॉजेज हुए, एट कॉजेज, कितने बोलो, देयर वर अबाउट एट कॉजेज फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सबसे पहला नंबर एक था फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, एक था फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, क्या नाम बोलो, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, क्या नाम, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। उसके बाद एक था इकोनॉमिक फैक्टर, एक था इकोनॉमिक फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर्स, इकोनॉमिक। उसके बाद एक था मिलिट्रिज्म, एक था मिलिट्रिज्म। उसके बाद एक था ग्रुपिज्म, जैसे मिलिट्रिज्म वैसे ग्रुपिज्म, मतलब ग्रुप बनाएंगे, ग्रुपिज्म। के बाद एक था फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म, फीलिंग्स ऑफ फियर नेशनलिज्म। उसके बाद एक फैक्टर था रोल ऑफ न्यूज़पेपर, एक था रोल ऑफ, बोलो रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स, रोल ऑफ न्यूज़पेपर। उसके बाद एक था फिलोसॉफी अबाउट वॉर, एक था क्या बोलो, फिलोसॉफी अबाउट, बोलो फिलोसॉफी अबाउट, अबाउट वॉर। और एक लास्ट था इमीडिएट कॉज, और एक लास्ट था क्या नाम बोलो, इमीडिएट कॉज। तो ऐसे देयर वर अबाउट एट रीजन, देयर वर अबाउट कितने रीजन, एट रीजन फॉर, एट रीजन फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कितने रीजन थे, आठ रीजन। पहला फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, समझना बहुत इजी है वैसे, बट मिक्स ना हो जाए। सेकंड इकोनॉमिक फैक्टर, थर्ड मिलिट्रिज्म, फोर्थ ग्रुपिज्म, फिफ्थ फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म, सिक्स रोल ऑफ न्यूज़पेपर, सेवन फिलोसॉफी अबाउट वॉर, और एट इमीडिएट कॉज। सबसे पहला फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, इसमें क्या हुआ, जर्मनी और फ्रांस के बीच में वॉर हुआ,
जर्मनी और फ्रांस। वॉर हुआ उसका नाम है सीडान वॉर। कौन सा वॉर? सीडान। और उसमें जर्मनी जीत गया और फ्रांस हार गया। तो फ्रांस हारा तो फ्रांस ने लॉस्ट इट्स टू प्रोविंस, मतलब फ्रांस को उसके दो एरिया लॉस्ट मतलब खोने पड़े, गवाने पड़े। किसको देना पड़े दो एरिया? जर्मनी को देना पड़े, जर्मनी को। यस, एक था लॉरेंस और एक था एप्सकेस। ऐसे दो एरिया फ्रांस को, फ्रांस ने जर्मनी को दिए। क्यों? क्योंकि वो हारा था। वॉर में क्या होता है, जो जीतता है वो, जो हारता है उसके ऊपर पेनल्टी लगाता है, जिसको बोलते हैं वॉर फाइन। क्या बोलते हैं? वॉर फाइन, या तो पेनल्टी ऑफ वॉर, वॉर फाइन या तो पेनल्टी ऑफ वॉर। तो ये दोनों के बीच में ट्रीटी हुई थी जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। ये ट्रीटी के मुताबिक, ये ट्रीटी नहीं होती तो फ्रांस को वो दो एरिया उसके देने नहीं पड़ते जर्मनी को, बट ये ट्रीटी की वजह से फ्रांस के दो वेल नोन एरिया कौन कौन ले गया? जर्मनी पड़, जर्मनी ने पड़ा लिए, क्योंकि जर्मनी जीत गया सीडान वॉर में और फ्रांस हार गया। उसी का नाम है कौन सी ट्रीटी? फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। पहला रीजन, पहले रीजन का नाम क्या है बोलो? पहले रीजन का नाम है फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। बराबर देखना, चलो यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट। नंबर वन कौन सा बोलो? फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी बोलो? फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। पता चला? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में क्या हुआ? वॉर, जिसका नाम क्या? सीडान वॉर। तो ध्यान से देखो, इन सीडान वॉर, कौन से वॉर में बोलो? इन सीडान वॉर, दोनों के बीच में वॉर हुआ उसका नाम था सीडान। तो इन सीडान वॉर, यही जर्मनी डिफीटेड फ्रांस, मतलब जर्मनी ने किसको हराया? फ्रांस को हराया। सो इसीलिए अकॉर्डिंग टू यस पर बोलो, सो यस पर फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, एस पर कौन सी ट्रीटी? फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। एस पर कौन सी ट्रीटी? फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। फ्रैंकफर्ट ट्रीटी के मुताबिक यही फ्रांस लॉस्ट इट्स टू प्रोविंस। एस पर फ्रैंकफर्ट ट्रीटी फ्रांस लॉस्ट इट्स बोलो टू प्रोविंसेस लाइक लॉरेंस। क्या नाम था प्रोविंस का? एक नाम था लॉरेंस। क्या नाम? लॉरेंस। एरिया का नाम क्या था? लॉरेंस। एंड दूसरा था एब्सेस का, और दूसरा क्या बोलते हैं? एब्सेस बोलते हैं कई लोग, एब्सेस। क्या नाम? एब्सेस। तो दो एरिया जर्मनी, सॉरी, ये दो एरिया फ्रांस के, मतलब दो एरिया, यही दो एरिया जर्मनी ने पड़ा लिए, क्योंकि जीता कौन? जर्मनी। और हारा कौन? फ्रांस। तो जो जीता वो सिकंदर। तो यही दो एरिया गवाने पड़े, इसीलिए ये जो ट्रीटी है, सो कौन सी ट्रीटी बोलो? इसीलिए यही फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी बोलो? इसीलिए यही फ्रैंकफर्ट ट्रीटी वॉज द कॉज इट सेल्फ वॉज द कॉज आप बोलो वॉज द कॉज ऑफ बोलो कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, क्या नाम है इसका? फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। समझ में आया फ्रैंकफर्ट ट्रीटी का मीनिंग? जर्मनी और फ्रांस के बीच में वॉर हुआ, सीडान वॉर, उसमें जर्मनी जीता, फ्रांस हारा। तो एज पर दिस ट्रीटी फ्रांस लॉस्ट इट्स टू प्रोविंस, मतलब फ्रांस ने अपने दो एरिया क्या किए? लॉस्ट मतलब खो दिए। नाम था लॉरेंस एंड सेकंड था एब्सेस। क्या लोग एब्जेटिका बोलते हैं इसको? एब्जेटिका। क्या लोग बोलते हैं? एब्सेस। तो दो एरिया गंवाने पड़े, इसीलिए यही ट्रीटी,
इटसेल्फ वाज कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब इस ट्रीटी की वजह से, यही ट्रीटी लेड या यही ट्रीटी प्लांटेड द रूट ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आया समझ में? सेकंड नंबर पे है इकोनॉमिक फैक्टर, बराबर देखना। सेकंड नंबर पे कौन सा फैक्टर बोलो? इकोनॉमिक फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर? इकोनॉमिक मतलब पैसे की बात, इकोनॉमिक के बारे में सुनो। वी नो अबाउट दैट के जो इंग्लैंड है, मतलब बुरी है ब्रिटिशर्स, तो यही ब्रिटिशर एक्सपांड देयर एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका, पता चला। तो उन्होंने अपना एम्पायर बनाया, एम्पायर वास्ट मतलब एक्सपांड किया। दे एस्टैब्लिश देयर कॉलोनी, उन्होंने वो एशिया अफ्रीका में, एशिया और अफ्रीका में क्या बनाई? कॉलोनी बनाई। देन दे एक्सप्लोइटेड देयर कॉलोनी, उन्होंने अपनी कॉलोनी को एक्सप्लोइटेड किया एंड दे बिकम रिच, मतलब कॉलोनी का एक्सप्लोइटेशन किया और वो खुद रिच मतलब पैसे वाले बने। खुद कैसे बने? पैसे वाले बने। क्या बोला कुछ समझ में आया? अब हुआ क्या? तो मार्केट में अकेला इंग्लैंड था और दूसरा उसका फ्रेंड था फ्रांस। ये इंग्लैंड और फ्रांस सभी चीजें सप्लाई करते थे, बट बीच में आ गया जर्मनी। आ गया जर्मनी, क्या किया? जर्मनी प्रोड्यूसर हो मटेरियल, जर्मनी प्रोड्यूस गुड्स एंड सोल्ड एट चीपर प्राइस या चीप प्राइस या चीप रेट कंपेयर टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। मतलब इंग्लैंड और फ्रांस के कंपेरिजन में जर्मनी ने चीप रेट से चीजें बेचना स्टार्ट कर दिया सस्ते दामों में, और ब्रोक डाउन द मार्केट ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। मतलब जर्मनी ने इंग्लैंड और फ्रांस का मार्केट क्या कर दिया? तोड़ दिया। जर्मनी ने इंग्लैंड और फ्रांस का मार्केट क्या कर दिया? तोड़ दिया। इसीलिए दोनों के बीच में, जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ, डाउट हुआ, सस्पिशियन हुआ, और विच लेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसी का नाम है इकोनॉमिक फैक्टर। इंग्लैंड का एम्पायर था कि नहीं? इंग्लैंड ने एम्पायर एक्सपांड किया था कि नहीं एशिया अफ्रीका में? हाँ, तो उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपांड किया एशिया अफ्रीका में, बाद में वही जो कॉलोनी बनाई थी वहाँ पे, वही कॉलोनी का उन्होंने किया एक्सप्लोइटेशन और दे बिकम रिच, वो पैसे वाले बने, और वही पैसों से मुद्दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सोल्ड इन टू अगेन एशिया एंड अफ्रीका। वो लोग चीज़ें बना के, समझ में आया, एशिया अफ्रीका में बेचने लगे, बट जर्मनी ने उनका मार्केट तोड़ दिया। कैसे? जर्मनी ने चीज़ें उनसे भी कम दामों में बेचना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए उनके माइंड में खटकने, ये चीज़ खटकने लगी। इसीलिए जर्मनी और इंग्लैंड ये सब कॉम्पिटिटर बनने लगे, कॉम्पिटिटर, समझ में आया, राइवल नेशन, वन टाइप ऑफ राइवल, एक दूसरे के एनिमी दुश्मन बनने लगे हम, और विच लेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसी का नाम क्या है बोलो? इकोनॉमिक फैक्टर, पता चला। तो सबसे पहले तो जो इंग्लैंड था, यही इंग्लैंड, ध्यान से देखना कौन बोलो, तो यही इंग्लैंड बोलो, एक्सपांड देयर एम्पायर बोलो, एक्सपांड इट्स एम्पायर इनटू बोलो, एक्सपांड इट्स बोलो एम्पायर इन बोलो एशिया एंड बोलो इन एशिया एंड अफ्रीका थ्रू एस्टैब्लिशिंग, क्या बनाई थी वहां पे बोलो? थ्रू एस्टैब्लिशिंग बोलो इट्स कॉलोनी, थ्रू एस्टैब्लिशिंग बोलो इट्स कॉलोनीज, पता चला। देन इंग्लैंड ने क्या किया? वो सबका एक्सप्लोइटेशन किया और खुद कैसा बनने लगा? पैसे वाला। देन यही इंग्लैंड बोलो एक्सप्लोइटेड, देन यही इंग्लैंड एक्सप्लोइटेड बोलो, एक्सप्लोइटेड इट्स बोलो कॉलोनीज ऑफ एशिया, सब कर देता हूँ, इट्स कॉलोनीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। मतलब इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनियों का एक्सप्लोइटेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब उनके साथ उनके पास पैसे पड़ाना स्टार्ट कर दिया, एक्सप्लोइटेड इट्स कॉलोनी ऑफ एशिया एंड अफ्रीका एंड दे बिकम रिच, और बातें हो, इंग्लैंड खुद कैसा बनने लगा? पैसे वाला बनने लगा।
बराबर देखना, तो देन इंग्लैंड एक्सप्लोइटेड इट्स कॉलोनी ऑफ, बोलो, एक्सप्लोइटेड इट्स कॉलोनी ऑफ एशिया एंड अफ्रीका एंड दे बिकम, बोलो वो कैसा बनने लगा, रिच बनने लगा एंड इकोनॉमिकली एंड दे बिकम, बोलो एंड दे बिकेम बोलो इकोनॉमिकली रिच, मतलब पैसे बनने लगे। किसके पास पैसे बनने लगे, बोलो इंग्लैंड के पास पता चला। देन यही इंग्लैंड, बाद में इंग्लैंड क्या किया, इंग्लैंड सप्लाई ऑफ, बोलो सप्लाई ऑफ गुड्स टू, बोलो सप्लाई ऑफ गुड्स इन, बोलो एशियाज एंड, बोलो इन एशिया एंड, बोलो अफ्रीका, मतलब इंग्लैंड ने क्या किया, गुड्स का सप्लाई स्टार्ट कर दिया, कहाँ पे, एशिया और अफ्रीका। बट हुआ क्या, जर्मनी प्रोड्यूस, बाद में जर्मनी ने क्या किया समझ में आया, तो बट हुआ क्या, बट बोलो यही जर्मनी हैड स्टार्टेड, बट यही जर्मनी हैड, बोलो स्टार्टेड कॉम्पिटिशन, बोलो स्टार्टेड कॉम्पिटिशन, जर्मनी स्टार्टेड कॉम्पिटिशन टू प्रोड्यूस गुड्स एट कौन से दाम से, बोलो गुड एट, बोलो चीपर रेट, एट अ चीपर रेट एंड सोल्ड इनटू बोलो एशिया एंड अफ्रीका एंड ब्रोक डाउन द मार्केट ऑफ, बोलो किसका मार्केट तोड़ दिया जर्मनी ने, इंग्लैंड का, एंड ब्रोक डाउन द मार्केट ऑफ इंग्लैंड पता चला। इट लेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसमें से हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पता चला। ये चीज पता चला, इसी का नाम है इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमी मतलब पैसा। पहले इंग्लैंड ने चीजें बनाई, एशिया अफ्रीका में सोल्ड मतलब बेचना स्टार्ट कर दिया, पर जर्मनी ने उसका मार्केट तोड़ दिया, क्योंकि जर्मनी ने प्रोड्यूस उससे भी कम दामों में प्रोड्यूस किया। तो सिंपल है, एशिया और अफ्रीका में इंग्लैंड के कंपेरिजन में कम दामों से बेचेगा, क्या बोला, कुछ आइडिया आया। एंड दस जर्मनी ट्राई टू ब्रेक डाउन द मार्केट ऑफ इंग्लैंड एंड इट लेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दोनों के बीच में कंपटीशन बढ़ी, डिस्ट्रक्ट बढ़ा, डाउट बढ़ा, सस्पिशन बढ़ा, मतलब जेलसी बढ़ी, ईर्षा ये सब बढ़ना लगा, वो आगे जाके कन्वर्ट इनटू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आया समझ में, तो इसी का नाम है इकोनॉमिक फैक्टर, पता चला। थर्ड नंबर पे इसके बाद बी के बाद नंबर सी आएगा, क्या बोलो, मिलिट्रिज्म, क्या नाम है, बोलो मिलिट्रिज्म। तो मिलिट्रिज्म में क्या है, जितने भी कंट्री है, इटाली है, पोर्टुगल है, स्पेन है, जर्मनी, इंग्लैंड है, फ्रांस है, अमेरिका, रशिया, ये जितने भी कंट्री है, उसमें से कई कंट्री ने मिलिट्री पावर बढ़ाया, कई कंट्री ने अपनी आर्मी बढ़ाई, कई कंट्री ने अपने सोल्जर को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया, कई कंट्री ने वेपन बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये सबसे क्या होगा, ये सबसे पीस बढ़ेगी, मतलब शांति बढ़ेगी, सोचो, ये सबसे डिस्ट्रक्ट बढ़ेगा, डाउट बढ़ेगा, सस्पिशन बढ़ेगा, जेलसी बढ़ेगा, ये सब बढ़ता जाएगा। तो ये मिलिट्रिज्म है, मिलिट्रिज्म मतलब क्या, सभी लोग, कई लोग ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया अपने सोल्जर को, कई लोग वेपन बनाना स्टार्ट कर दिया, क्या बोलता हूँ, समझ में आता है। तो वही टॉपिक का नाम रखा गया मिलिट्रिज्म। तो मिलिट्रिज्म में क्या है, ध्यान से देखो, ये जो वेरियस कंट्रीज, थोड़े जो कंट्रीज थे, वेरियस बोलो वेरियस कंट्रीज
कई कंट्री ऐसे थे इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, समझना, बोलो कौन से, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, ये जो कंट्री थे, तो यही जो कंट्री थे वो कंट्री ने क्या किया, हैड बिगन एक्सपांडिंग देयर मिलिट्री पावर, हैड बिगन देयर मिलिट्री पावर्स, मतलब इन्होंने अपना मिलिट्री पावर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो कई कंट्री, समझना, कई कंट्री मिलिट्री पावर बढ़ा रहे हैं, तो कई कंट्री अपने सोल्जर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कई कंट्री वेपन्स बना रहे हैं, तो ये सबसे क्या होगा, शांति होगी दुनिया में, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो उसमें से वॉर हुआ, इसलिए नाम दिया है मिलिट्रिज्म। मिलिट्रिज्म मतलब समझ में आता है, रिलेटेड विद मिलिट्री। तो कई कंट्री ने क्या बढ़ाया, मिलिट्री पावर्स बढ़ाया। बाद में पॉज करके लिखते जाना होमवर्क में। तो कई कंट्री ने क्या बढ़ाया बोलो, मिलिट्री पावर्स बढ़ाए कई कंट्री ने। तो सामने कई कंट्री ऐसे थे, ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। वेयर एज सम कंट्रीज लाइक जापान, सुना है आपने, तो यही जो जापान, इटाली, जर्मनी, तो यही लाइक जर्मनी, बाद में इटाली एंड जापान, यही सब कंट्रीज है, जर्मन, इटाली एंड बोलो जापान, कंपल्सरी मिलिट्री बोलो, इन्होंने क्या किया, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग हैड स्टार्टेड। उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। तो कई कंट्री ने क्या किया, मिलिट्री पावर बढ़ाया, कई कंट्री ने मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट की, कई कंट्री ने वेपन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। भाई प्रोडक्शन ऑफ वेपन इंक्रीज इन यूरोप। कहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ता गया वेपन का, कहाँ पे बोलो, यूरोप में। प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स क्या होता गया, यूरोप में बढ़ता गया, पता चला। Thus and it led बोलो, या तो it increase, इसमें से क्या बढ़ा, it increase doubt, doubt मतलब एक दूसरे के ऊपर शंका, दूसरा suspicion, क्या नाम बोलो, suspicion, jealousy etc. and it led first world war, और इसमें से हुआ first world war, इसको बोलते हैं militarism। क्या बोलते हैं, मिलिट्रिज्म। क्या है टॉपिक, समझ में आया पहले, कई कंट्री मिलिट्री पावर बढ़ा रहे हैं, तो कई कंट्री मिलिट्री ट्रेनिंग अपने सोल्जर को दे रहे हैं, तो ज्यादातर कंट्री वेपन का प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं, बस इसीलिए इसका नाम रखा गया मिलिट्रिज्म। इसके बाद आएगा ग्रुपिज्म, उसमें दो ग्रुप बनेंगे, ग्रुप अलाइड एंड एक्सिस, ऐसे क्या बनेंगे, ग्रुप बनेंगे, उसी का नाम क्या है बोलो, ग्रुपिज्म। टॉपिक नंबर डी आएगा, नाम है ग्रुपिज्म। क्या नाम है टॉपिक का बोलो, टॉपिक का नाम क्या है, ग्रुपिज्म। क्या नाम, ग्रुपिज्म में क्या है, एक साइड के ग्रुप में जर्मनी का, मतलब आधे में दो ग्रुप बने, अलाइड एंड एक्सिस, दो बाद में पूरे वर्ल्ड के कंट्री बढ़ गए। तो बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब वर्ल्ड वॉर से पहले,
बिफोर बोलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेजोरिटी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के ज्यादातर कंट्री कितने भाग में बटे? दो भाग में, अलाइड और एक्सिस, अलाइड और एक्सिस, उसमें थोड़े अलाइड में चले गए थोड़े एक्सिस, तो इसका मीन सब में कॉम्पिटिशन दोनों में बढ़ेगी, बस उसी का नाम ग्रुपिज्म, ग्रुप बनाने का, इट मीन्स ग्रुपिज्म। तो बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेजोरिटी कंट्रीज, मेजोरिटी बोलो कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स में बटे बोलो? दो। एक ग्रुप था अलाइड नेशन, क्या नाम बोलो? अलाइड नेशंस। और दूसरा था एक्सिस नेशंस, दूसरा कौन सा नेशंस बोलो? एक्सिस नेशंस। उसमें जो अलाइड नेशन था, इन विच, जिसमें अलाइड नेशन में कौन थे? तो इन विच अलाइड नेशंस इंक्लूड, अलाइड नेशंस इंक्लूड अमेरिका, सुना है? चलो ठीक है, इंग्लैंड तो सुना है कि नहीं वो बोलो पहले। तो इंग्लैंड, अमेरिका पहले न्यूट्रल था, बाद में ज्वाइन हुआ, स्टोरी आएगी। इंग्लैंड, बाद में बोलो फ्रांस, इंडिया सुना है, चलो रशिया सुना है, बाद में अमेरिका ज्वाइन हो गया था, हाँ, पर पहले न्यूट्रल था, रिमाइंड करा रहा हूँ, पहले न्यूट्रल था, बाद में जर्मनी की गलती की वजह से अमेरिका ज्वाइन हुआ, जर्मनी ने गलती की थी, अमेरिका का एक शिप था लुसिटानिया, उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसमें अमेरिका के काफ़ी सोल्जर मर गए थे, इसीलिए उसका टू टेक द रिवेंज, उसका बदला लेने के लिए अमेरिका गेव इट्स सपोर्ट टू अलाइड नेशन। तो इन विच अलाइड नेशन इंक्लूड इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया, रशिया, अमेरिका एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेयर एज एक्सिस नेशन, वेयर एज कौन सा नेशन बोलो? तो वेयर एज एक्सिस नेशंस इंक्लूड, एक्सिस नेशन में कौन था? जर्मनी, सुना है? तो जर्मनी, बाद में ऑस्ट्रिया, क्या नाम? जर्मनी के बाद बोलो, या फिर रब करता हूँ, बाद में पॉज करके लिख देना, जर्मनी, बाद में ऑस्ट्रिया, क्या नाम बोलो? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बाद में कौन बोलो? एक आएगा बोलो, ऑस्ट्रिया, बाद में टर्की, क्या नाम? टर्की, बाद में रोमानिया, क्या नाम? रोमानिया, बाद में बल्गेरिया, क्या नाम? बल्गेरिया एक्सेट्रा। मतलब दुनिया के कंट्री दो ग्रुप में बटे, कितने ग्रुप में बटे? दो। पहला ग्रुप कौन सा? अलाइड, और दूसरा कौन सा? एक्सिस नेशंस। ऐसे दो ग्रुप में दुनिया के कंट्री बढ़ गए, पता चला? और दो ग्रुप में बटे, इसीलिए फीलिंग बढ़ेगी, इसीलिए द फीलिंग्स, दो ग्रुप में बढ़े, इसीलिए फीलिंग्स ऑफ बोलो एक डाउट, क्या नाम? दोनों के बीच में मतलब डाउट, बाद में जेलसी, क्या नाम बोलो? जेलसी, जेलसी मतलब ईर्ष्या, क्या बोलते हैं? ईर्ष्या, फियर एक्सेट्रा बोलो इंक्रीज, एक्सेट्रा बिटवीन, एक्सेट्रा बोलो इंक्रीज, बिटवीन बोलो अलाइड एंड, बिटवीन अलाइड एंड बोलो अलाइड एंड एक्सिस नेशन, अलाइड एंड एक्सिस नेशन, एंड इट लेड बोलो, इट लेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसमें से दुनिया में क्या स्टार्ट हुआ बोलो? इसमें से दुनिया में स्टार्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये है ग्रुपिज्म, मतलब दो ग्रुप में पूरे वर्ल्ड के कंट्री, हाँ उस टाइम पे 32 कंट्री मेन थे, तो दुनिया के जो 32 कंट्री थे उसमें कई न्यूट्रल रहे, चार एक, 24 अलाइड में गए, समझना, 24 अलाइड में ज्वाइन किए, एक्सिस में चार थे बट शक्तिशाली चारों भी, तो ऐसे 28 हुए और चार न्यूट्रल थे पहले, बाद में उसमें से कई लोगों को लगा है अलाइड वाले जीतेंगे तो उसमें चले गए, और अमेरिका जैसे कंट्री पहले एकदम न्यूट्रल थे,
बट ऐसे ही जर्मनी ने जैसे वो सी डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसकी वजह से वो लोग मतलब इन्वॉल्व हुए और गैव देयर सपोर्ट टू अमेरिका, गैव इट सपोर्ट टू अलाइड नेशन, इसीलिए उनकी ताकत बढ़ गई। इसीलिए बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी जीत होगी, उनकी क्या होगी, जीत होगी। रीजन नंबर फोर क्या नाम है बोलो, ग्रुपी, बोलो ग्रुपिज्म। बाद में आएगा ग्रुपिज्म के बाद फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म, क्या आएगा बोलो, फीलिंग ऑफ फियर्स बोलो, फीलिंग्स ऑफ फियर्स बोलो नेशनलिज्म, फीलिंग्स ऑफ फियर्स नेशनलिज्म। इसमें क्या था, जर्मनी का वो राजा जो मैंने आपको बताया था, याद करो, जर्मनी का राजा, कुछ नाम याद आया, केसर, तो जो केसर विलियम जो सेकंड था, केसर विलियम फर्स्ट, सॉरी कई लोग सेकंड भी बोलते कई लोग फर्स्ट बोलते हैं, बट उसका दो नाम था, कई लोग केसर विलियम सेकंड और कई लोग केसर विलियम सेकंड। यही राजा जो था वॉज मोर एम्बिशियस, ज्यादा एम्बिशियस था, वो क्या चाहता था, ही वॉन्टेड टू टेक द लीडरशिप ऑफ होल वर्ल्ड, मतलब वो पूरी दुनिया की लीडरशिप लेना चाहता था। इसीलिए इसने क्या कर दिया, अपने जर्मनी में ट्राई टू प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ वेपन, मतलब समझ में आया, जर्मनी में उसने मैक्सिमम प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, किसका, किसका, वेपन्स का। तो ऐसी जो फीलिंग्स थी उसमें, फियर्स फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म, उसमें फीलिंग्स थी नेशनलिज्म की, अगर होती तो अच्छी है, बट फियर्स मतलब एकदम ज्यादा, जरूरत से भी ज्यादा नेशनलिज्म की उसमें फीलिंग्स थी। तो यही फीलिंग्स ऑफ क्या बोलती है, फियर्स ऑफ बोलो, फीलिंग्स ऑफ फियर्स बोलो नेशनल, फीलिंग्स ऑफ फियर्स ऑफ बोलो नेशनलिज्म। पता चला, यही जो जर्मन चीफ, ध्यान से देखना, बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, यही द जर्मन बोलो, द जर्मन किंग, द जर्मन किंग, जर्मनी का राजा, क्या नाम था बोलो, कैजर विलियम सेकंड, क्या नाम बोलो, कैजर विलियम टू, ऐसा नाम है, यही जो कैजर विलियम सेकंड, ये राजा का नाम, तो यही कैजर विलियम सेकंड वॉज बोलो, यही कैजर विलियम सेकंड वॉज बोलो, वॉज मोर एम्बिशियस पर्सन, मोर बोलो एम्बिशियस, एंड एंड ही वॉन्टेड टू टेक बोलो, वो क्या चाहता था बोलो, ही वॉन्टेड टू टेक द लीडरशिप ऑफ बोलो, टेक द लीडरशिप, टेक द लीडरशिप ऑफ बोलो, टेक द लीडरशिप ऑफ बोलो वर्ल्ड, वो क्या चाहता था, पूरी दुनिया में मतलब पूरी वर्ल्ड की लीडरशिप लेना चाहता था। पता चला, इसीलिए क्या था, इसके अलावा बिसाइड दिस, बिसाइड दिस मतलब इसके अलावा, यही ही वॉन्टेड टू गेट थिंग्स, ही वॉन्टेड टू गेट, समझना, ही वॉन्टेड टू गेट बोलो, ही वॉन्टेड टू गेट थिंग्स, ही वॉन्टेड टू गेट थिंग्स डन, थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू हिज विल, डन अकॉर्डिंग टू हिज बोलो, अकॉर्डिंग टू हिज विल, अकॉर्डिंग टू इरेप करता हूँ, अकॉर्डिंग टू हिज विल, मतलब इसका मीनिंग क्या, ही वॉन्टेड टू गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू हिज विल, मतलब जो उसको अच्छा लगता था वो चीज़, मतलब कोई भी हालत में वो चीज़ उसको चाहिए थी, किसी भी हाल में उसको वो चीज़ चाहिए थी, किसको बोलो, जर्मन किंग को, जिसका नाम क्या था बोलो, कैजर विलियम सेकंड। तो बिसाइड दिस ही वॉन्टेड टू गेट थिंग्स डन अकॉर्डिंग टू हिज बोलो, अकॉर्डिंग टू हिज विल, अकॉर्डिंग टू हिज विल, मतलब अपने को जो चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, मतलब ये चाहिए, ऐसे इसमें बिलीव करता था, कौन बोलो, यही जर्मनी का राजा, जर्मनी का राजा। पता चला, इसीलिए
सो ही प्रोड्यूस बोलो, उसने किसका प्रोडक्शन बढ़ाया, सो ही प्रोड्यूस बोलो मोर प्रोडक्शन, ही प्रोड्यूस बोलो, ही प्रोड्यूस मोर प्रोडक्शन ऑफ, बोलो मोर प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स, ही प्रोड्यूस मोर प्रोडक्शन ऑफ, बोलो वेपन्स, इसलिए उसने वेपन का प्रोडक्शन क्या कर दिया, बढ़ा दिया, प्रोडक्शन का वेपन बढ़ा लिया, पता चला, इसीलिए हो क्या हुआ, द फीलिंग्स ऑफ, इसकी वजह से द फीलिंग्स ऑफ वॉर स्प्रेड अमंग अदर नेशन ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप के बाकी के जितने भी स्टेट थे उनको, कंट्री थे, उनको ऐसा लगा कि अगर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा रहा है तो हमको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो बाद में ये लोग एक दूसरे के क्या होने लगे, कॉम्पिटिटर होने लगे, पता चला, तो ये इसमें गलती किसकी थी, कैसर विलियम सेकंड की, इसीलिए दस द फीलिंग ऑफ, बोलो इसीलिए कौन सी फीलिंग, दस द फीलिंग ऑफ, बोलो कौन सी फीलिंग, द फीलिंग ऑफ वॉर स्प्रेड, द फीलिंग ऑफ वॉर क्या हुआ, स्प्रेड अमंग, बोलो अदर नेशन ऑफ यूरोप, या तो स्प्रेड अक्रॉस ओवर, अक्रॉस बोलो, अक्रॉस अदर नेशंस, मतलब ऐसे यूरोप के अंदर ज़्यादातर वॉर की फीलिंग स्प्रेड होने लगी, इसकी वजह से, किसकी वजह से, कैसर विलियम सेकंड, क्या नाम है, कैसर विलियम सेकंड, क्या बोला पता चला, एक ही रीजन था, ई क्या नाम है, रीजन का फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म, बाद में था रोल ऑफ न्यूज़पेपर, क्या नाम बोलो, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, क्या नाम है बोलो, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, यही जो यूरोप के जितने भी न्यूज़पेपर थे वो क्या करते थे, जो लिखते थे राइट सब रॉन्ग मैटर, गलत लिखते थे, मैं स्पिटिंग टूवर्ड्स देयर राइवल नेशन, टूवर्ड्स देयर राइवल नेशंस, मतलब जर्मनी के हर एक न्यूज़पेपर के अंदर गलत चीजें लिखी जाती थी, अपना जो दुश्मन है, दूसरा जो कंट्री, जो उनके एनिमीज राइवल, उनकी ओर स्पिटिंग, तो राइट सब रॉन्ग फीलिंग्स, गलत चीजें लिखी जाती थी, किसके थ्रू, किसके थ्रू बोलो, न्यूज़पेपर, तो यही जो न्यूज़पेपर थे यूरोप के, यही बोलो यूरोप के मेजोरिटी न्यूज़पेपर, तो यही मेजोरिटी न्यूज़पेपर ऑफ, बोलो मेजोरिटी न्यूज़पेपर ऑफ, बोलो मेजोरिटी न्यूज़पेपर ऑफ, बोलो यूरोप के ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर थे वो क्या करते थे, फॉल्स राइट्स ऑफ, फॉल्स बोलो, फॉल्स राइट्स ऑफ बाय स्पिटिंग, बाय बोलो स्पिटिंग, स्पीट समझ में आता है, थूकने का, बाय बोलो बाय स्पिटिंग वेनम अगेंस्ट, बोलो बाय स्पिटिंग वेनम, वेनम समझ में आया, जहर, वेनम अगेंस्ट बोलो कौन से नेशन, अगेंस्ट राइवल नेशन, अगेंस्ट बोलो कौन से नेशंस, अगेंस्ट राइवल नेशंस, पता चला, राइवल नेशन मतलब यहाँ के जो न्यूज़पेपर थे जर्मनी के ऑफ यूरोप, तो मेजोरिटी न्यूज़पेपर ऑफ यूरोप फॉल्स राइट्स अप मतलब गलत लिखते थे, अब बाय स्पिटिंग वेनम मतलब जहर, वेनम मींस पॉइजन, जहर टुवर्ड्स देयर राइवल नेशन, टुवर्ड्स अगेंस्ट राइवल नेशन, राइवल मींस उनका कॉम्पिटिटर, उनका एनिमी, उनका दुश्मन, उनके ओर जहर जैसा लिखते थे वो, तो एक दो मतलब लोगों में जो फीलिंग्स होगी वो कैसी होगी, सोचो डेंजर होगी ना, तो एक ये रीजन था, इसको बोलते बोलो रोल ऑफ न्यूज़पेपर। एक था फिलोसॉफी अबाउट वॉर, क्या था बोलो, फिलोसॉफी अबाउट वॉर, क्या था बोलो, फिलोसॉफी अबाउट वॉर, मतलब कई यूरोप के जितने भी फिलोसॉफर थे
फिलोसॉफी मतलब फिलोसॉफर जो प्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, फिलोसॉफी। तो यही फिलोसॉफी यूरोप के जितने भी न्यूज़पेपर वाले थे, बाहर के जितने भी फिलोसॉफर थे, उनकी फिलोसॉफी एकदम गलत थी। कई फिलोसॉफर क्या बोलते थे, जो दुनिया में शक्तिशाली है बस सिर्फ उसको ही जीने का हक है। ट्रॉटस्की यूरोप का एक फिलोसॉफर था, उसने ऐसा बोला था। कॉली माइटी ध्यान से देखो, यही मेजोरिटी जो फिलोसॉफर, मेजोरिटी कौन बोलो, मेजोरिटी फिलोसॉफर्स ऑफ यूरोप, यूरोप के बोलो ज्यादातर फिलोसॉफर, तो मेजोरिटी फिलोसॉफर्स ऑफ बोलो यूरोप एडॉप्टेड, यही मेजोरिटी फिलोसॉफर्स ऑफ यूरोप एडॉप्टेड द पॉलिसी, एडॉप्टेड द पॉलिसी वॉर इज वेलफेयर। कौन सी पॉलिसी, वॉर इज वेलफेयर, वेलफेयर मतलब वॉर करते हो तो वेलफेयर मीन्स कल्याण है, अगर आप युद्ध करते हो तो वो क्या है, कल्याण है। सोचो युद्ध कल्याण है, ऐसी फिलोसॉफी थी। दूसरा जो जर्मनी का जो फिलोसॉफर, जर्मन बोलो फिलोसॉफर, नाम था ट्रॉटस्की। क्या नाम बोलो, ट्रॉटस्की। क्या नाम बोलो, ट्रॉटस्की। तो यही ट्रॉटस्की पब्लिश मैक्सिम, यही ट्रॉटस्की पब्लिश बोलो पब्लिश मैक्सिम, उसने कौन सा मैक्सिम पब्लिश किया कि ओनली माइटी हैव टू डिजायर लाइफ, डिजर्व अ लाइफ। कौन सा मैक्सिम बोलो, ओनली माइटी मतलब शक्तिशाली, ओनली बोलो माइटी, ओनली क्या नाम, माइटी, यहाँ पे रब करता हूँ। तो यही जो ओनली माइटी मतलब जो शक्तिशाली है सिर्फ वही जिंदा रह सकता है, बोलो ऐसा स्प्रेड करते थे। तो ओनली बोलो कौन, तो यही ओनली माइटी डिजर्व टू लिव, ओनली माइटी बोलो डिजर्व टू लिव मतलब जो शक्तिशाली है वही जिंदा रह सकता है, पता चला। एंड वॉर अलोन, और ये जो वॉर है लड़ाई, तो यही वॉर अलोन इज अ नेशनल नीड, वॉर अलोन इज द बोलो नेशनल नीड। अब सोचो ऐसे फिलोसॉफर थे कहाँ पे, जर्मनी के। दूसरे थे जर्मन राइटर निज्जे। बिसाइड दिस जर्मन राइटर, जर्मनी का क्या था राइटर, नाम था निज्जे। क्या नाम था, निज्जे, क्या नाम है उसका बोलो, निज्जे। तो यही जो निज्जे था जर्मनी का राइटर, तो यही निज्जे एक्सप्रेस, यही निज्जे बोलो एक्सप्रेस वॉर एज अ, वो क्या बोल रहा था कि जो भाई युद्ध है वॉर, वॉज एज अ सेक्रेड वर्क, वॉर एज अ बोलो सेक्रेड वर्क, सेक्रेड वर्क मतलब समझ में आता है, अगर आप वॉर करते हो तो एक पवित्र काम है, अच्छा काम है, अगर आप वॉर करते हो तो सेक्रेड वर्क इट मीन्स एक पवित्र काम है। तो ये है फिलोसॉफी अबाउट वॉर। और लास्ट नंबर पे आएगा इमीडिएट कॉज, लास्ट नंबर पे क्या आएगा, इमीडिएट कॉज। इसमें क्या था, ऑस्ट्रिया का एक प्रिंस था और प्रिंसेस, इन दोनों का मर्डर हो गया था सर्बिया में, उसके पास ऑस्ट्रिया कंट्री के पास में एक सर्बिया था, तो ऑस्ट्रिया के प्रिंस और प्रिंसेस सर्बिया में गए, सर्बिया में इन दोनों का मर्डर हुआ, बट मर्डर सर्बिया ने नहीं किया था, मर्डर करने वाले यूगोस्लाविया के लोग थे, ब्लैक हैंड नाम की ग्रुप था, उनके लीडर थे प्रिंस गैब्रिलो, इन्होंने मर्डर किया, बट ऑस्ट्रिया ब्लेम ऑन सर्बिया, ऑस्ट्रिया ने को लगा कि सर्बिया ने मर्डर किया होगा तो ब्लेम किया, बट सर्बिया ने बोल दिया कि हमने मर्डर नहीं किया, फिर भी माने नहीं, इसलिए ऑस्ट्रिया ने डिक्लेयर किया सर्बिया के सामने वॉर, तो ऑस्ट्रिया के फेवर में आए जर्मनी, टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया, ये सब कंट्री आए, तो सामने सर्बिया के फेवर में कई कंट्री आने लगे, और इसमें से स्टार्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मर्डर की वजह से, प्रिंस और प्रिंसेस का मर्डर, इसलिए मैंने लिखा है इमीडिएट कॉज, इमीडिएट कॉज।
तो इमीडिएट कॉज में क्या था, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया, कहाँ का प्रिंस बोलो, ऑस्ट्रिया का, तो यही प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ, एंड बोलो एंड हिज वाइफ, तो ऑस्ट्रिया का प्रिंस और उसकी वाइफ, और यही दोनों का क्या हुआ, वर बोलो एसेसिनेटेड, वर बोलो एसेसिनेटेड बाय, किसके थ्रू इनका डेथ हुआ, मर्डर हुआ, बाय मेंबर ऑफ सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नाम था ब्लैक हैंड, क्या नाम था ब्लैक हैंड, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ब्लैक हैंड, इसका लीडर वो इंसान था जिसका नाम था प्रिंस गैब्रिलो, क्या नाम, प्रिंस गैब्रिलो, उसने मर्डर किया था, तो यही ब्लैक हैंड, इसलिए ऑस्ट्रिया ने किसके ऊपर ब्लेम लगाया बोलो, सो ऑस्ट्रिया बोलो, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ऑस्ट्रिया, इसलिए ऑस्ट्रिया ब्लेम बोलो सर्बिया, मतलब ऑस्ट्रिया ने ब्लेम लगाया किसके ऊपर, सर्बिया, फॉर द इन्वॉल्वमेंट एंड गेव अ अल्टीमेटम, एंड क्या दिया, एंड गेव अ बोलो अल्टीमेटम, क्या दिया ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को, अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेटम तो बोलो किसके लिए अल्टीमेटम दिया, अल्टीमेटम टू हैंड ओवर द कल्प्रिट टू ऑस्ट्रिया विदिन 48 आवर्स, कितने टाइम के अंदर, 48 आवर्स, मतलब 2 दिन का टाइम दिया उनको, 2 दिन में हमको वो कल्प्रिट दे दो जिन्होंने मर्डर किया है, कल्प्रिट टू ऑस्ट्रिया विदिन बोलो विदिन 48 आवर्स, कितने घंटे में, 48 आवर्स में, सर्बिया डिक्लेयर इट्स इग्नोरेंस, सर्बिया ने मर्डर नहीं किया था ऐसा, रियल में यूगोस्लाविया कई लोग ऐसा बोलते हैं, तो सर्बिया डिक्लेयर इट्स इग्नोरेंस कि हम लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ जानते हैं नहीं है, इग्नोरेंस इन द मैटर, ये जो मर्डर हुआ समझ में आया, इसीलिए बाद में सर्बिया की बात ऑस्ट्रिया ने मानी नहीं और डिक्लेयर कर दिया वॉर, then without listening, anything from Serbia, मतलब सर्बिया की कोई बात ऑस्ट्रिया ने मानी नहीं और ऑस्ट्रिया डिक्लेयर वॉर, ऑस्ट्रिया ने क्या डिक्लेयर कर दिया बोलो वॉर, तो यही ऑस्ट्रिया डिक्लेयर किया वॉर ऑन बोलो सर्बिया, ऑन सर्बिया, एंड दस ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दुनिया का सबसे पहला वर्ल्ड वॉर, दस बोलो दस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर had begun with this, जो मर्डर हुआ उसमें से दुनिया में स्टार्ट हो गया, क्या स्टार्ट हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो कितने रीजन थे, 8 रीजन, 8 रीजन की वजह से वर्ल्ड में हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर,
आज समझ में है? चलो स्टोरी यहाँ से बाद में आगे, अब बाद में और होगा उसके बारे में बताऊंगा इन नेक्स्ट वीडियो। ओके चलो थैंक यू, बाद में पॉज करके लिखते हैं ना।